वेलकम बैक। तो जनाब हमसे गुजरा वाला, मैं जब भी कोई पिज्जा की रिकमेंडेशन मांगता है तो हम उसको चुप करके क्रश पिज्जा ही भेज देते हैं। उसकी तीन मेजर रीजन है, एक तो इनके पिज्जा बहुत ही टॉप नॉच है, दूसरा इनके पास जनाब फैमिली हॉल भी, और दूसरा जनाब आपको यहाँ पे छड़ों के लिए खिलाता हॉल मिल जाएगा, और तीसरा जनाब यहाँ पे एक मिडनाइट डील चलती है जिसमें 9 बजे के बाद आपको मिलता है बाय वन गेट वन पिज्जा। तो आज हम क्रश पिज्जा को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पे मेरी फेवरेट तीन चीजें जो कि मैं क्रश से मोस्ट फ्रिक्वेंटली खाता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये आप देख लें कितना बड़ा मेन्यू है, यहाँ इस साइड पे आपको सारे पिज्जाज मिल जाएंगे और इस साइड पे जनाब आपको मिल जाएंगे इनके बर्गर्स और बाकी आइटम्स, डील्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे तो इनकी ये 24 ऑल डील्स भी हैं, लेकिन इनकी मेन अट्रैक्शन जो है ना वो इनकी मिडनाइट डील है। लेकिन आज मैं आपको जनाब इनके जो है ना अपने मोस्ट फेवरेट जो आइटम्स मेरी क्रस्ट पिज्ज़ा की है ना वो ट्राई करवाने लगा हूँ। तक हमारा फूड आ रहा है, मैं आपको ये बात बता दूँ कि क्रस्ट पिज्ज़ा गुजरा वाला का ऐसा ब्रांड है जो कि सिर्फ 4 टेबल्स के एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरू हुआ था। मुझे आज भी याद है बकेट टाउन में उन्होंने अपनी सबसे पहले ब्रांच खोली थी, उसके बाद इस टाइम क्रस्ट पिज्ज़ा पंजाब के मेजर सिटीज़ में अपनी ब्रांचेस खोल चुका है, जिसमें जनाब गुजरा वाला लाहौर है, उसके अलावा झेलम है, शेखुपुरा है, और अब बिल्कुल रिसेंटली अपनी ब्रांच ना मीरपुर में भी ओपन करने लगे हैं, जो कि बहुत ही जल्द गालबन बड़ी ईद तक जो है ना ओपन हो जाएगी मीरपुर की ऑडियंस के लिए भी, और मीरपुर वाले भी एक अच्छा और ज़बरदस्त पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकेंगे। तो जनाब ऑर्डर हमारा जो है ना वो बड़ी स्पीड से लग के आ चुका है। मैंने ऑर्डर किए थे अपने फेवरेट चीज़ें सारी यहाँ से, जिसमें जनाब अगर आप ब्रेड सॉस लवर हैं ठीक है, और अगर आप किसी ज़माने में पिज़्ज़ा हट के फैन रहे हैं तो ये है फजीता सिज़लन, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इन्होंने पिज़्ज़ा हट जैसे बनाया। उसके बाद जनाब चीज़ लवर्स के लिए इनका इनका ये चीज़ी मुगलाई ठीक है, और साथ ही साथ है जनाब इनका टेंडर बर्गर, और मोस्ट मज़े की चीज़ ये है कि जनाब यहाँ पे आपको पाकिस्तानी ड्रिंक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और किसी रेस्टोरेंट ने इनिशिएटिव लिया है, हाईली अप्रिशिएटेड है। तो सबसे पहले जनाब ये हमारा आ गया चीज़ी मुगलाई, और मैंने के लिए आओ जरा ये जरा तो धागे बहाइए, और ये देखें जनाब इसके ये बेसिकली डबल चीज़ डबल सॉस पिज़्ज़ा, और अगर जो भी मेरा भाई चीज लवर है ना तो उसके लिए तो ये बहुत ही फैसिनेट करने वाला पिज्जा। और ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल बटर जैसा मिलेगा, बस लेकिन इनकी जो सॉस है वो बटर में बनाई जाती है, और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का पिज्ज़ा ये है। और इसके जनाब साथ ही साथ जहाँ भी आ गया हमारा ये रेड सॉस पिज़्ज़ा ठीक है, और ये है इनका फजीता सिज़लन, और अगर आप रेड बेस में पिज़्ज़ा को इन्जॉय करना चाहते हैं ना तो इससे बेहतर पिज़्ज़ा मेरे ख्याल से कोई नहीं है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरे पिज़्ज़ों में से है क्रस्ट पिज़्ज़ा पे। और नंबर 3 पे आता है जनाब इनका ये मल्टी बर्गर, इसकी अनबॉक्सिंग अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें आपको जनाब ये चेक करें ज़रा, मतलब आपको इसमें सिर्फ मीट ही मीट मिलेगा, क्रम्स और वो चीज़ें बड़ी थोड़ी हैं, और मीट का अगर आप साइज़ चेक करें तो व्हाट अ जिजेंटिक साइज़, और इसको भी करते हैं थोड़ा सा सॉस में डिप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पिज़्ज़े ही बड़े आउट क्लास हैं, लेकिन ये मेरे मोस्ट फेवरेट थे। अगर आप भी ये पिज़्ज़ा ट्राई करना चाहते हैं तो आप पहुँचे क्रस्ट पिज़्ज़ा की किसी भी ब्रांच पे। मिडनाइट डील 9 बजे के बाद शुरू हो जाती है, जिसमें एक पिज़्ज़े के साथ एक पिज़्ज़ा एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। लोकेशन अगर मैं बताऊँ तो मैं इस टाइम जो इनकी ब्रांच में हूँ वो है बिलापान चौक में, और सटला टाउन में इनकी काफ़ी बड़ी ये ब्रांच है, 2 हॉल्स में मुश्तमिल, और काफ़ी सारा क्राउड आप जब भी यहाँ पे आएंगे आपको वो लाजमी देखने के लिए मिलेगा। इसके बावजूद इनकी सर्विस बहुत आउट क्लास है। तो ये थी आज की वीडियो, आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।